बस सरकार से ये उम्मीद है ऐसे जो फेडरेशन कोई फेडरेशन हो ऐसे देश को फेडरेशन से बाहर किया जाए, बढ़िया जो राज्य देश हो इतना या सरकार जो खेल मंत्री वो अपने अंडर में ले लें। अगर 2024 में देश को मेडल लाना है तो कृपया करके इन पहलवानों का सपोर्ट कीजिए और जितनी जल्दी ये मैटर निपट सके ना इसको निपटा दीजिए कृपया करके। वो जिसके वो कहते हैं जाके ना फटे पैर बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आपने हमारी बेटी जो ने कोई गलत व्यवहार करता है उसको बर्दाश्त ना करो, अपनी आवाज़ उठाओ, हम उनके साथ हैं और माँ बाप ने साथ रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ, मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, यहां पर जो कुश्ती जगत के महान खिलाड़ी हैं जैसे कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और उनके साथ काफ़ी पहलवान मिलकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन जो WFI है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उनके खिलाफ है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं के साथ उनका जो फेडरेशन है या फिर उनके नेतृत्व में यौन शोषण होता है। यहाँ पर ये सारे पहलवान मौजूद हैं, लेकर चलते हैं आपको कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और कितने दिन तक इनका प्रदर्शन रहेगा। और बात यहाँ पर फिर वही है कि सवाल बार बार महिला सुरक्षा पर आ जाता है कि जब ऐसी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे अगर आरोप, ऐसे सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी तो महिलाएं भारत में कितना सुरक्षित महसूस करेंगी, या किसी भी फील्ड में जाने से पहले, कुश्ती ले लीजिए, कोई भी बाकी खेल ले लीजिए, कितना सेफ फील करेंगे। देखिए भाई, आज तक किसी ने भी जो जिस पर आरोप लगे हैं बस झूठे आरोप सिद्ध हो जाए हैं, ये भी हमने सुना है। लेकिन आपने कितने देखे जो जो आज ये बैठे गलत आरोप नहीं भराए, ये सच्चा आरोप है। अगर आप निष्पक्ष जांच एजेंसी करेगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। या जो लड़की हैं भाई, एक को तो आप इंटरव्यू ना लो, आप वैसे मिलो, आप इनकी लिस्ट बना दो जो कैंप में कौन कौन लड़की रही है, कौन कौन लड़की कैंप छोड़ेगी। तो लड़कियाँ सामने क्यों नहीं आना चाह रही हैं कि अगर ऐसा आरोप है? देखो लड़के नहीं, लड़के भी लड़के लड़कियाँ तो बहुत बेचारे कोमल होती हैं, लेकिन लड़के आगे नहीं आ रहे हैं। इनकी हिम्मत है आगे आगे, लड़कों की हिम्मत कहाँ है भाई? लड़कियाँ तो कोमल है ये तो, लेकिन लड़का भी आवाज़ उठा रहा है। क्यों? एक धमकी मिलती है, खिलाफ चले गए तो कैंप से बाहर, अनुशासनहीनता का नोटिस दिया, 2 साल के लिए बैन। वो 2011 से अध्यक्ष बने हुए हैं WFI के, इतने साल बाद उन पर ये आरोप लग रहा है और सारी चीज़ें प्रदर्शन वगैरह, और आपको लग रहा है कि माना जाएगा, ये सब कुछ रखा जाएगा? देखिए कोई भी चीज़ ले, एक छोटी ही जो फुंसी गुमड़ी होगी आस्ता आस्ता वह कैंसर में बदल जाएगी। जब डॉक्टर के पास जब बात जाएगा उसका जो कैंसर हो जाएगा तो वही बात है, ये कति अंत आ गया नहीं इसका, दबाव का भी कति संत भार चीज़ होगी जब ये बात उठी है। तो महावीर जी मांगे क्या क्या हैं सरकार से, क्या क्या मांगे हैं, क्या बस सरकार से ये उम्मीद है ऐसे जो फेडरेशन कोई फेडरेशन हो ऐसे देश को फेडरेशन से बाहर किया जाए, बढ़िया जो राज्य देश हो इतना या सरकार जो खेल मंत्री वो अपने अंडर में ले ले। लेकिन सर इससे जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे एक बात साफ हो जाती है, क्योंकि हम हरियाणा की बात करेंगे, जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं आप भी हरियाणा से हैं, आपने अपनी बेटियों को कुश्ती में लाया, सब कुछ किया, हरियाणा की स्थिति आपको अच्छे से पता है, उस टाइम की स्थिति भी क्या थी और अभी भी, जो माता पिता हैं इन सब चीज़ों के बाद शायद डरेंगे अपनी बेटियों को ऐसे फील्ड में उतारने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ भाई, जो देखो हर एक माँ बाप को फील होता है, डर भी लगता है, मैं उन माँ बाप से ये प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इस चीज़ से डरना नहीं, एक महारानी लक्ष्मी की तरह अपने हमारी बेटी जो ने कोई गलत व्यवहार करता है उसको बर्दाश्त ना करो, अपनी आवाज़ उठाओ, हम उनके साथ हैं और माँ बाप ने साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे महावीर सिंह फोगाट जी, जो विनेश फोगाट के, गीता बबीता फोगाट के पिता रही हैं। आप कह सकते हैं कि हरियाणा में या फिर पूरे भारत में जो एक महिला कुश्ती को प्रोत्साहन मिला है वो इन्हीं से मिला है। गीता बबीता विनेश ने इतने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, और इनका कहना है कि इतने साल से ये मुद्दा इसलिए नहीं उठा क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, और वो जो महिलाएँ हैं उनको भी धमकी दी जाती हैं इसलिए वो सामने नहीं आती हैं, और ये आरोप अभी लगने शुरू हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। सर फिर एक सवाल आ जा रहा है कि इतने सालों से अगर ये हो रही है, अगर ये प्रताड़ना हो रही है पहलवानों के साथ, ये हमारे देश को मेडल्स देते हैं, गौरव बढ़ाते हैं, हम सब भी इनके साथ हैं, पूरा देश इनके साथ है, इतने सालों बाद ही क्यों ये सारा मामला सामने? देखिए जी, आप तो एक महिला हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ आज के टाइम में कोई अपनी इज्जत को, कोई जब तक मतलब आप ये कहते हो ना कि जब तक
गिलास से पानी जब तक नहीं निकलता जब तक वो सहन करता रहता है, धीरे धीरे जब भर जाता है जब वो एक संग फैलता है। आज वो समय आ चुका है, आज जब तो पहले एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, आज तो इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं। और हम बात करते हैं जी हमारे ओलंपिक प्लेयरों की, मतलब एक अगर मैं आपको सच्चाई बता दूँ ना, अगर हमारे आपके जो दर्शक हैं उनमें इतना दम है कि वो सच्चाई को समझ सकें, उन सन 1900 से लेके और आज तक भारत के पास सिर्फ 10 ही गोल्ड मेडल हैं जी ओलंपिक में। हम ओलंपिक की बात करें 10 ही गोल्ड मेडल हैं। और हम बात करते हैं किस चीज़ की जी, विश्व गुरु बनने की। आज के टाइम पे विश्व गुरु कौन है जी, अमेरिका। अमेरिका ने लेटेस्ट में जो अपने 2018-19 में आपके ओलंपिक हुए हैं 32 गोल्ड मेडल लाए हैं जी। अब जब आप जो हमारे अब जो नेक्स्ट ओलंपिक होना है वो 2024 में होना है, तो हमारे इन प्लेयरों को मैट पे होना चाहिए या धरने पे होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन ये टाइम उनको एक एक दिन बहुत कीमती है। अगर 2024 में देश को मेडल लाना है तो कृपया करके इन पहलवानों का सपोर्ट कीजिए और जितनी जल्दी ये मैटर निपट सके ना इसको निपटा दीजिए कृपया करके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो 2024 में मेडल पैदा करने वाले कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सर, लेकिन महिला सुरक्षा की बात यहाँ पर उठ रही है, ये भी मतलब लगातार महिला सुरक्षा को लेकर ही हो रहा है कि महिलाओं के साथ जो होते रहती है, जो बदसलूकी होती है हर फील्ड में, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार से आपको उम्मीद लग रही है कि हाँ आपका साथ दिया जाएगा, किस हद तक आपको साथ मिल रहा है? देखिए जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं सबसे, ये कह लो जी, वैसे तो हम गांव देहात से जैसे बिलोंग करते हैं तो गांव में कहते हैं सबसे बड़ा सरकार, सबसे बड़ा भगवान, पर आज के समय में ये हो चुका है कि आप भी मानते होंगे कि सबसे बड़ी सरकार। तो हम तो जी सरकार की छप्पर छाया में, हम क्या पूरा देश ही आज के टाइम में नीचे बैठा हुआ है। जैसे ही सरकार हम पे कृपा करेगी तो इन पहलवान भाइयों पे कृपा हो जाएगी, कृपा नहीं करेगी तो हम तो जी जैसे आपने पुरानी वीडियो में देखते होंगे कि एक गरीब आदमी कैसे अपना जीवन गुजारता, उसी प्रकार ये पहलवान गुजारेंगे। तो लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है सर, इससे आपको नहीं लगता है कि जो वो माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को कुश्ती में निकालना चाहते हैं या किसी भी बाकी खेल में निकालना चाहते हैं, वो इन प्रदर्शन को लेकर या जो आरोप लगे हैं उनको लेकर थोड़ा झिझकचाएंगे फिर अपनी बेटियों को इस फील्ड में भेजने के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तो पहले तो यही सोच लो कि हमारे जैसा हरियाणा से, ये मेनली जो हमारे पहलवान है, मैं भी हरियाणा से पलवल से आया हुआ हूँ, तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटियों को कोई आगे नहीं दिखाता। फिर भी जैसे आप देख सकते हो गीता के पिताजी जिनके ऊपर मूवी बनी है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इतना साहस करा और उन्होंने कितना साहस करा वो आप उस मूवी में जाके देखो। तो जब इतना साहस करने के बाद उनको पिताजी को यहाँ पे बैठना पड़ता है तो आम लोग क्या सोचेंगे, आम लोग क्यों अपनी बहन को बेटियों को यहाँ पे भेज, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होगा जी। अंकल जी, फिर तो नुए जानना चाहूँगे कि जो सारा मामला है, एक सवाल सब उठा रहे हैं कि इब्बे क्यों सामने आया है यो, मतलब इतने साल तक अगर ये सब कुछ चल रहा था, ये पहलवान आ गए, इतने पड़तारी तो लग रहे थे, तो इब क्यों कहें, ये पहला ही नया मामला क्यों नहीं उठाया? ऐसा है बेटा, मैं नमस्कार जी, राम राम जी, मैं नरेंद्र दराल टीकरी कला दिल्ली से, मेरे परम मित्र जो है रामकिशन फलसवाल बदानी गाँव से, झज्जर से, जो तो हम दोनों मित्र जो है जी जी, तो आपने बिल्कुल बिटिया सही सवाल किया। अब ये कहाँ से ये सवाल कैसे उठा, सही कह रहे हो। क्या है बेटा, जब तक सिस्टम में खामियां चलती आ रही हैं, जब तक वो जिसके वो कहते हैं जाके ना फटे पैर बवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो बेटा ये जो है कोई जो आगे बहुत आगे पहुंच रहा था उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है तो तब ये बात उछल के आई है, नहीं तो ये आज इतने बच्चे हजारों लाखों की संख्या में, तो अब जो ग्रास रूट पे वो बच्चे खूब मेहनत करते हैं और नेशनल तक पहुंच जाते हैं और हो सकता है ये एशियाई या वर्ल्ड या क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ जो है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पक्षपात होता है। सिस्टमिक सिस्टम क्या है समझ सकते हो कि आज जो है सिर्फ चुगलखोरों का, पहले मुगलों का राज था, चुगलों का राज है, पहले अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले मुगलों का राज था, यानी वो राजपूत, चलो मैं पौराणिक उसमें नहीं जाना चाहता। तो बेटा बहुत हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए जी। सर ये भी एक सवाल है कि जब पहलवानों के साथ जो ओलंपिक में जीत के भारत को गौरवान्वित करते हैं उनके साथ अगर ये सारा सदलूक होगा तो बाकी जो खेल में जो अभी छोटे खिलाड़ी अभी उभर रहे हैं, जो इन खेलों में आगे के लिए बढ़ रहे हैं, उनके मन में क्या चीज़ें आएंगी, वो क्या सोचेंगे? बेटा वो उनका जो है हौसला टूट जाता है, यानी हमेशा
मोटिवेशनल कहीं ना कहीं से मिलता है, मोटिवेशनल जो उस शिखर पे पहुंचा है। मोटिवेशनल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मोटिवेशनल यानी सब कुछ पाने के बाद भी अपयश हासिल कर सकता है और एक नीचे ग्रास रूट से भी पता नहीं उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। यानी उस शिखर तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस उच्च शिखर को बनाए रखना भी उससे भी बड़ी बात है। क्या मांगे क्या कहें सर, अगर जानना चाहें आपसे क्या मांगे कर रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए बच्चों का खेल में, और कोई वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सही जिनके क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हीं को लेना चाहिए, जो बिल्कुल ट्रेंड भी हैं, आत्मविश्वास भी है, उन्हीं को लेना चाहिए। टेक्निक भी बढ़िया हो जिनकी, तो वही जाके तो कंसीडर करे जाएंगे और वही आपको मेडल ले कर आएंगे। आप उनको यहीं से नाराज़ करके भेजोगे, आप दबा के भेजोगे तो उनका मोरल तो पहले ही डाउन होगा, तो वहाँ भी तो उसको पूरा आत्मविश्वास चाहिए। तो इसलिए ये बच्चे प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो पहले इनका पॉलिटिकल प्रेशर होता था, यानी चुनाव गलत हो गया तो ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर होता था, ये कैसे कर दिया, लेकिन अब तो बचाव करने वाला कोई है ही नहीं खिलाड़ियों का। खासतौर पर हरियाणा वाले जो बच्चे हैं, हरियाणा का पॉलिटिशियन भी डाउन और बच्चे भी, पहलवान भी, यानी सब खेलों में उनके बचाव करने वाला नहीं है। असली बात तो ये है, इसीलिए ये शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो आपको बताते रहेंगे कि इस खबर में क्या अपडेट्स रहेंगे, सरकार कितनी इनकी मदद करती है, उम्मीद इन्होंने सरकार से लगा रखी है, और क्या कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलता है वो आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे बने रहे नेशन लाइव के साथ, कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।